शादी होती है, निकाह होता है और निकाह के बाद मियां बीवी एक दूसरे पर हलाल हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ हमबिस्तरी करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वक्त बिताते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों की हमबिस्तरी एक हफ्ते में कितनी मर्तबा करनी चाहिए? अगर नहीं मालूम तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा वरना आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखिए आप ये बात जान ले कि बीवी से एक मर्तबा जिंदगी में हमबिस्तरी करना वाजिब है और जरूरी है, लेकिन दोस्तों शरीयत ने यह कभी नहीं कहा गया कि बीवी से इतनी मर्तबा हमबिस्तरी करो, इतनी मर्तबा ना करो, कोई हद मुकर्रार नहीं की गई है। लेकिन हाँ दोस्तों ये कहा गया है कि अपनी बीवी से कभी कभी हमबिस्तरी करते रहो। हाँ, इतनी मर्तबा हमबिस्तरी करते रहो कि औरत की सोहबत पूरी होती रहे, उसकी नजर गैर मर्दों पर ना पड़े। अब इसका पता कैसे चलेगा कि किसी औरत की मांग पूरी हुई या नहीं? तो इसका पता तो उसके शौहर को ही अच्छी तरह से होता है। जैसे कि आपको लगे कि आपकी बीवी हमबिस्तरी के लिए राजी है या वो हमबिस्तरी करना चाहती है तो आपको करना चाहिए। इसी तरह से हकीम लुकमान से जब पूछा गया तो उनका जवाब था, हमबिस्तरी हफ्ते में कम से कम दो मर्तबा जरूर करनी चाहिए, इससे सेहत अच्छी बनी रहती है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा, क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन अल्लाह पाक की बारगाह में कब कबूल हो जाए।